हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्लीपी क्लासेस में। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है इस साल का भी, एंड वॉल्यूम वन शुरू करते हैं। तो बिल्कुल जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, बिल्कुल लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ने की ट्राई करेंगे। चैप्टर वन में यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर वन आपको जैसे पता है कि बहुत सारी जो पूरे जो चैप्टर्स में आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं उनके बारे में बताता है, हमें थोड़ा इंडिकेशन देता है क्या आने वाला है, एंड काफ़ी सारी समरीज प्रोवाइड करता है। आगे वाले चैप्टर्स रिलेटिवली जल्दी निकल जाते हैं अगर हम चैप्टर वन अच्छे से कर लें। तो मैं आपको चैप्टर वन करा रहा हूँ, देन आई विल गिव यू टाइम ऑफ अ फ्यू डेज, आप उसके दौरान अपने चैप्टर खत्म कीजिए। एंड देन थोड़ा जैसे हमारे यहाँ पे अभी दबाव भी है कि मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस के क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं, तो उसका दबाव है, और तो दैट से थोड़ा ग्रेजुअली कम हो जाएगा। देन हम फिर से चैप्टर वाइज को कवर कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने एंड से इसको पढ़ लें, ठीक है। तो जैसे आप इको सर्वे डाउनलोड करेंगे तो पढ़ेंगे जानेंगे, बहुत सारे टर्म्स हैं, काफ़ी देखिए चैप्टर्स काफ़ी मज़ेदार हैं इसमें। और जनरली एक और पर्टिकुलर चीज़ है इस साल के इको सर्वे में, वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या एक्नॉलेजमेंट्स हैं बहुत सारी। अदरवाइज अगर आप जाने तो काफ़ी अच्छा जैसे बताया कि किस तरह इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी हमने बनाना है, और बहुत सारी स्कीम्स की बात की है। और जैसे जैसे अगर हम जैसे बात करें यहाँ पर, तो एक एक पुरानी एक लेगेसी हुआ करती थी जैसे आज से कुछ साल पहले, जो जैसे इको सर्वे बहुत ज़्यादा मज़ेदार डॉक्यूमेंट हुआ करता, जैसे कि थोड़ा एक तरह से मैं आपको बोलूँ तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मॉडल्स दिए जाते थे हमें बहुत सारे। तो वो वापसी लग रही है मुझे, बहुत मज़ेदार लगा मुझे ये देख के। ये इको सर्वे जैसे हमने चैप्टर पढ़ने शुरू किए यहाँ पर, तो मैं आपके साथ पहला चैप्टर शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार जैसे एक मॉडल्स फ्रेमवर्क्स से मतलब क्या है मेरा, कि इस तरह की बातें जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेवल पर है, एंड ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंटेबल भी हैं। एंड अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बात करें, अगर हम उससे उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत सारे आंसर्स प्रोवाइड करता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये कैसे होगा, वो कैसे करेंगे, तो उनके आंसर्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं। तो काफ़ी अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ओरिएंटेड एक इको सर्वे, मज़ा आ रहा है पढ़ के अभी तक, तो आप भी पढ़ें। एंड देन जो उसके बाद हम ग्रेजुअली एक एक चैप्टर करके उठाएंगे, अभी फिलहाल ताकि शुरू कर सकें हम चैप्टर वन में आपको बता रहा हूँ एंड किस तरह से पढ़ना है, ताकि ये भी आप सीख सकें, ठीक है। तो जैसे चैप्टर वन में जैसे वो बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा गेयर्स कहते बदलने का वक्त आ गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर चाहते हैं ध्यान देना, एंड किस तरह से कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो जो हमारी ग्रोथ, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, डिमांड सब बढ़ेगा। एंड देन किस तरह से जैसे मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूँ, पहले चैप्टर की थीम है क्या यहाँ पर। जैसे वो कहते हैं कि आज तक कहते हैं हमने जैसे देखा, कहते हैं कि जैसे जो क्लासिकल जो इकॉनमी हमारी चलती थी, हमारी जो क्लासिकल तरह से जैसे हम इमेजिन करते थे हमारी जो इकॉनमी है वो क्या है, वो कहते हैं कि क्लासिकल इकॉनमी कहते हैं कि इकॉनमीज हमारी इक्विलिब्रियम में रहती हैं, ठीक है, इकॉनमीज हमारी इक्विलिब्रियम में है, एंड वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी अनटिल अनलेस कोई बाहर से आके उनको डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है, कोई ऐसे फोर्स ऐसा फैक्टर उसको डिस्टर्ब कर देगा तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। तो कहते हैं हमें ये वाली विचारधारा छोड़नी होगी, ये काफ़ी थ्योरेटिकल विचारधारा है। कहते अब हमें कौन सी विचारधारा उठानी होगी कि इकोनॉमीज हमेशा ही डिसइक्विलिब्रियम में होती हैं और हमें उनको स्टेबलाइज करना है, उनकी साइकिल्स पहचाननी है, कौन सी साइकिल में चल रही हैं, कि जो ग्रोथ वाली साइकिल में चल रही हैं, रिसेशन वाली साइकिल में चल रही हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें वो वाली साइकिल्स पहचान कर अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमीज जो हम जो प्रीवियस जो थॉट था हमारा कि इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम में होती हैं, उनको जो डिस्टर्ब किया जाता है तो आपके पास टूल्स होते हैं उनको डिसइक्विलिब्रियम को से हटाने के, वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के, वगैरह हमें ये विचारधारा छोड़कर डिसइक्विलिब्रियम वाली विचारधारा अपनानी होगी, जहां पर इकोनॉमीज वर्चुअस साइकिल में, वो कहते हैं या तो वर्चुअल साइकिल में होती हैं या फिर वो साइकिल जो डाउनवर्ड ट्रेंड वाली विशेष साइकिल में होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोनों में से हमें पहचान कर अकॉर्डिंगली वील हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये चैप्टर क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर हमारा यहाँ पे शुरू होता है, वो जैसे कुछ पहले 5 साल के बारे में बता रहे हैं कि 5 साल में हमने कैसे स्टेबिलिटी अचीव करी, एंड हमारे जैसे आपके पास ना ये टर्म्स हैं इनके आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं साइड में नोटिस करते रहना, कि जैसे CAD क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये सब हमने वीडियो बना के रखे हैं अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट्स का अच्छे से यूज़ करना, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एंड देन वो कह रहे हैं कि हमने ये लोएस्ट लेवल का इन्फ्लेशन अचीव किया कुछ टाइम में, ठीक है, थोड़ा तेज चलते हैं, चैप्टर लंबा है ये। एंड देन कहते हैं हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी इस्टेब्लिश कर दी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4% वाला टारगेट, जैसे पता है ना आपको 4 ± 2% जो अचीव करना, अगर नहीं पता इन्फ्लेशन का लेक्चर लगाओ उसमें देखो, ठीक है, साइड में लिखते भी रहो कि क्या क्या आपने जो लेक्चर्स में सुनना है देखना है। MPC पे हमने मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ एक, ओके। देन वो कह रहे हैं कि MPC, ये आपको प्री में सवाल पूछा जा सकता है कि वो कह रहे हैं MPC अपना टारगेट अचीव कर पाई सिवाय सिर्फ 1 महीने को छोड़ दो, बाकी सब टाइम पे MPC ने अपने टारगेट्स अचीव किए। एंड देन वो कह रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पे देखो, ये हमेशा ही साइड में नोट करते रहा करो जो कौन सी जो रिपोर्ट्स कोट की जा रही हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी है, ये
IMF की है, ठीक है। WEO ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत से लोगों ने इसको WEF मार्क कर दिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी नहीं गलत है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसकी IMF की, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स देखते रहो। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें दुनिया की ग्रोथ कितनी थी एंड इमर्जिंग मार्केट्स की, एशियान फाइव में कौन सी कंट्रीज को मान रहे हैं वो, एशियान की ये पांच इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ध्यान रहे इसमें ये सिंगापुर का नाम नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन पांच इकोनॉमीज को भी अगर हम कंपेयर करें, इससे भी हिंदुस्तान की ग्रोथ ज़्यादा रही, ठीक है, जो GDP की ग्रोथ रेट हमारी थी इनसे ज़्यादा थी सभी से, ठीक है, अच्छा पॉइंट है हमारे पास। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास FRBM की वापसी हुई एंड जो हमने FRBM के बारे में, जैसे आपको शायद मैं बता दूँ यहाँ साइड में कि NK सिंह कमेटी आई थी, NK सिंह कमेटी ने कुछ यहाँ पर बातें की थी जो कि हमें तीन या चार तरह से फॉलो करना था FRBM में, उसके बारे में आप पढ़ें ग्रेजुअली, ठीक है, लिखते रहें साइड में क्या क्या पढ़ना है आपने, ओके। देन यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि वो कि ओवरऑल वो कह रहे हैं कि हमने कि ग्रेजुअली चैप्टर बिल्ड होगा, अभी देखते रहेंगे आगे। वो कह रहे हैं कि हमें किस तरह से हमें टारगेटेड डिलीवरी करनी है, जैम ट्रिनिटी क्या होती है पता होना चाहिए आपको, जनधन आधार और मोबाइल को यूज़ करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ निकाल रहा हूँ। एंड देन वो कह रहे हैं कि किस तरह से उज्ज्वला योजना, इसकी आपको कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना की वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने बेनिफिशरीज पे फोकस किया, टारगेटिंग करनी शुरू करी, उनको फ़ायदा हुआ। एंड किसी तरह से वो बोलते हैं कि जैसे पहले प्लान था कि 5 करोड़ लोगों को, लेकिन कहते हैं अभी तक हमने वो जो आपको पता होगा PMUY का कि टारगेट्स रिवाइज हो गए थे, वो कह रहे हैं अभी तक हम 7 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन दे चुके हैं। क्या क्या होता है PMUY भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कितनी फैमिलीज़ को कितने रुपये की इंश्योरेंस मिल रही है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, एट्सेट्रा, ओके। इन शुरू में थोड़ी सी तारीफ़ों के पुल हैं अपने सरकार के बारे में, तो हमें सुनने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो उड़ान स्कीम के बारे में वो कह रहे हैं कि उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, इसका जो इसका version 3 भी आ चुका है वैसे, ठीक है। एंड उसमें किस तरह से कनेक्टिविटी की बात हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी को अलग लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने स्कीम्स में कहीं ना कहीं डिस्कस की हैं। आप उड़ान अगर आप सर्च करेंगे ये सब चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। ये प्री का सामान मिल रहा है हमें, उड़ान आपने सर्च करना है प्लस स्लीपी क्लासेस आपको मिल जाएगा कि उड़ान में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं। एंड देन वो कह रहे हैं कि जो छोटी सिटीज़ हैं Tier 3 Tier 4 जो अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है उनको तो जोड़ ही रहे हैं, हिली एरियाज़ में हेलीकॉप्टर ले जाया जा रहा है ताकि उनको हम हेलीपोर्ट्स बना के उनको कनेक्टिविटी दें। बोगी बील ब्रिज असम में बनाया गया था, हिंदुस्तान का तो चलो सबसे लंबा ये रेल रोड ब्रिज है, एंड अदरवाइज बोगी बील आपको पता होना चाहिए बोगी बील के बारे में कि कब बना, कौन से रिवर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इस पर भी हमने प्रीमिक्स पे सवाल बनाया था, बोगी बील ये प्री में नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री में पूछी जा सकती है कि रिवर्स कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरी पर ये बना गया, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर अगर देखें वो कह रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म कि फिस्कल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्टेट को हमने इक्वली कहीं ना कहीं जो स्टेट्स एंड जो सेंटर को इक्वली हम ट्रीट करते हैं तो वो फेडरलिज्म कहते हैं। कि फाइनेंस में हमने उसको क्या किया, 14th फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से पहले क्या करता था, जो सेंटर जो पैसे इकट्ठे करता है, सेंटर के पैसे बांटने का तरीका कौन बताता है हमें, फाइनेंस कमीशन। तो वो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि जो सेंटर के पैसे से जो डिविजिबल पूल था उससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन से पहले 32% मिलता था स्टेट्स को, अब वो बढ़ाकर 42% कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली कि अपने आप स्टेट्स को पैसा दो, आप जो 14th फाइनेंस कमीशन बोलता है कि स्टेट्स को पैसा दो, स्टेट्स अपने आप डिसाइड करेंगे पैसा कहाँ खर्च करना है, आप बहुत ज़्यादा डिक्टेट मत करो। तो अदरवाइज जैसे सेंटर क्या करता है, सेंटर अपनी स्कीम्स लाता है बहुत सारी, तो जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं, है ना, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सेंटर टोटली अपने आप से रन करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो डायरेक्टली रन स्कीम्स को ग्रेजुअली कम कीजिए, स्टेट्स को स्कीम्स अपने आप चलाने दें, क्योंकि अगर लेट्स से कि अगर स्टेट अच्छा काम नहीं कर रही तो लोग स्टेट का गला पकड़ते हैं, लोग स्टेट के वहाँ पथराव करते हैं, सेंटर के वहाँ पथराव नहीं होता, तो इसलिए स्टेट्स के पास पैसे होने चाहिए अपने, ठीक है। FFC ने फिस्कल फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दी और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म सही किया। एंड देन GST काउंसिल आपको पता होना चाहिए, एंड देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो कह रहे नीति आयोग में दो तरह की टीम्स हैं, प्लीज एक बार मैं इसलिए पैरेलल यहां लिख के रखा है मैंने, ठीक है, दो तरह की टीम्स है नीति आयोग में जो कि किस तरह से वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जैसे टीम इंडिया बनाई गई, वहां पर देखिए आपने वो, तो नीति आयोग की साइट खोलेंगे आप, अबाउट अस खोलेंगे वहां पर मिलेगा, आई एम नॉट गिविंग यू एवरीथिंग हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एंड लुक, ठीक है, अपने वहां पर जो गूगल खोलिए, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलना चाहिए ना। नीति आयोग में दो तरह की टीम्स बनाई गई, उसको पढ़िए, क्योंकि नीति आयोग से जुड़ा हुआ सवाल जो इस बार भी पूछा गया
ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। तो इसी तरह से नीति आयोग में कौन सी टीम्स हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देन अभी चलो थोड़ी सी और भूमिका सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो कॉरपोरेट एग्जिट्स थे, कॉरपोरेट एग्जिट को हमने स्मूथ किया, आईबीसी लेकर आए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कि जहां पर अगर आप कंपनी अगर नहीं चल रही तो सालों तक लटकती नहीं रहेगी, आप उसका सामान फटाफट से बेचकर उसके पैसे कमाकर एंड जो अकॉर्डिंगली जिससे उधार लिया उनका उधार वापस करके अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आईबीसी की भी यहां पे कहीं ना कहीं जो गठन हुआ, ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर हमें करना होगा ये, ठीक है, आईबीसी में जो रिजॉल्व करना है। एंड देन 5 ट्रिलियन, अब बात शुरू होती है, चैप्टर मजेदार शुरू होता है। कहते हैं हमें 5 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी बनानी है अपनी 2024-25 तक, उसके लिए हमें क्या करना होगा। वो कहते हैं सबसे पहले तो जरूरी है कि कहते हैं 5 ट्रिलियन को हमें बताओ कि रुपीज़ में कितना बनाना होगा। 5 ट्रिलियन जो अगर है तो रुपीज़ में, उसके लिए हमें एक्सचेंज रेट चाहिए, किसके हिसाब से मानूँ मैं, कि 60 रुपये के हिसाब से, 70 रुपये। तो वो कहते हैं कि अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 75 रुपीज़ के आसपास हमारा डॉलर बैठता है, जो 75 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें कितने जो लाख की इकॉनमी चाहिए होगी, इतने 375 लाख करोड़ की इकॉनमी चाहिए होगी 2025 के मार्च तक, ठीक है। एंड उस पे कहते हैं अगर हम, अच्छा ये तो हमारी इकॉनमी आ गई रियल टर्म में आ गई, लेकिन रियल टर्म में थोड़ी ना चल रही है लाइफ, रियल टर्म में तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमें अभी जो हम जब नॉमिनल हम जो जीडीपी करते हैं कैलकुलेट, जो कितना आज कंपनी ने कमाया, उसको हम किसी एक बेस रेट पे वापस ले जाते हैं ना, एंड देन किसी अपने जो बेस ईयर पे वापस ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके रियल निकाल लेते हैं। लेकिन आज हम नापते हैं, जब हमारे सर्वेज होते हैं तो नॉमिनल निकालते हैं। तो कहते हैं नॉमिनल निकालना पड़ेगा, 375 अगर हमें रियल चाहिए तो उसका नॉमिनल क्या आ रहा है, तो नॉमिनल के लिए हमें इन्फ्लेशन रेट चाहिए, ठीक है। एंड वो कहते हैं अकॉर्डिंगली हमें जो इन्फ्लेशन रेट कहते मान के चले, अगर हम 4% के आसपास माने तो हमें कितना ग्रोथ रेट चाहिए होगा, उसके वहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें 8% के हिसाब से हमें ग्रो करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, अगर अज्यूम करें कि 4% इन्फ्लेशन है। ओके, तो यहाँ पे रियल हमें ग्रोथ 8% चाहिए होगी, इन्फ्लेशन 4% मानने के बाद, ठीक है। मैं आपको सिंपली बस ये बता रहा हूँ कि रियल वर्सेस नॉमिनल की डिबेट इस इको सर्वे ने भी यहाँ पर उठाई, ठीक है। ओके, देन आगे यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अगर आपको रियल नॉमिनल नहीं पता, आई रिपीट, तो आप प्लीज़ लिख के रखिए, शुरुआत के ही लेक्चर से हमारे इको की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप सब जान सकते हैं क्या है रियल, क्या है नॉमिनल, बेस रेट की किस तरह से जो बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, एट्सेट्रा। देन आगे वो कहते हैं कि अब सेंट्रल जो हमारे जो सब चीज़ रहेगी, तो सेंट्रल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब चीज़ों को चलाएगा, वो क्या है, वो तीन चीज़ें अभी आगे देखना, आप एक और चीज़ ऐड कर देंगे बाद में, वो है एक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो ग्रो कराएंगी हमारे इकॉनमी को, किस तरह से। वो कहते हैं कि ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मॉडल है। वो कह रहे हैं कि हम जैसे कि हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग को छोड़ना होगा, हमें नई थिंकिंग अपनानी होगी कि इकॉनमीज कॉन्स्टेंटली डिसइक्विलिब्रियम में रहती हैं, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम में रहती हैं। डिसइक्विलिब्रियम में क्यों रहती हैं, अब देखो सिंपल तरह से, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, काफ़ी अच्छे थिंकर्स कोट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या देखो चाहता है, क्या बताना आपको, वो कह रहे हैं कि जैसे कि एकदम से कुछ नई तरह की चीज़ आ जाती है, ओके, कि भाई एकदम से बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, है ना, एकदम से बोलते हैं कि अमेरिका में कुछ वहाँ पर कि किसी ने जो ओवरऑल बैंक हमारा डूब गया, तो ऐसे वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ें ये रियल लाइफ में कुछ ना कुछ अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड चलता रहेगा। तो कहते हैं हम कैसे मॉडल्स पर कैसे रिलाई कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा, ये ऐसा होता आया है, तो कहते नहीं, कहते हम कहीं ना कहीं हमें डिसइक्विलिब्रियम को मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहेगा, एंड देन उसके हिसाब से ही हमें प्लानिंग करनी होगी, उसके हिसाब से हमें मॉडल्स बनाने होंगे, ठीक है। तो कहते हैं पहले तो ट्रेडिशनल थिंकिंग को छोड़ना होगा कि जहां पर चीजें इक्विलिब्रियम में मानी जाती थी, कहते अब हमें चीजों को डिसइक्विलिब्रियम में मानकर ही काम करना है। ओके, देन वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से देखें कि जो इक्विलिब्रियम हमारा सेंट्रल पॉइंट था, अब हमें डिसइक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ना है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम ही है दुनिया में, वो एंड अकॉर्डिंगली ही प्लानिंग करनी है। इक्विलिब्रियम को लेकर कहते प्लानिंग करोगे, आगे बताएंगे वो कि 5 ईयर प्लान वगैरह थे वो इक्विलिब्रियम को लेकर प्लान किए गए, तो कहते कुछ नहीं निकला, फेल ही हुए टाइम एंड अगेन, ठीक है। इस तरह से ये इको सर्वे बिल्ड करता है केस अपना। ओके, देन वो कह रहे हैं कि जैसे जो अगर जॉब क्रिएशन कहते और कहते जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है, वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे आप क्रिएट करना अलग है कि डिमांड क्रिएट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, वो अलग अलग तरह से सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है, जबकि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंटारिटी शेयर करती हैं, एंड एक चीज़ को बढ़ोतरी देंगे दूसरी अपने आप बढ़ती है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि हमें की ड्राइवर्स ढूंढकर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ के उन पर काम करना होगा, एंड ठीक है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह से सरकारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि वो कहते हैं क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्राउड्स इन, कि कहते हैं जहाँ पर सरकार आ जाती है, सरकार पैसे खर्चना शुरू करती है, वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाते हैं।
सरकार बोलती है कि हमें ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, चलो मैं सीमेंट सप्लाई करता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं सरिया सप्लाई करूंगा एटसेट्रा, ठीक है। तो जहाँ पे कहते सरकार इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी, क्योंकि सरकार बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट प्लेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जॉब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, तो क्राउडिंग इन भी हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अपने आप बढ़ती है अगर सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ओके, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें, चाइना का केस बहुत जगह लिया गया है, ठीक है, चाइना का केस अगर हम लें तो कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया का केस भी लेते हैं, तो वो देखा गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारे अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन GCF एंड सेविंग्स एंड अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इकॉनमी बढ़ती चलती है, रुकती नहीं है, वो दो तरह के केस आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है सर, हम मान गए आपकी बात। एंड देन वो उसके बाद आगे बोलते हैं कि ठीक है, हमें तो पॉइंट देखना, हमें तो ग्राफ्स वगैरह को एनालिसिस करने से इतना कुछ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहां पे क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स पर रिलाय किया चाइना ने, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ वो कहते तब भी थी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ उनकी आज भी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो कहते सेविंग रेट चाइना में 45% ऑफ GDP पहुंच चुका है 2017 में भी, ठीक है, इंडिया में ये 30s का जो थोड़ा सा जो 33-34 हिट करके वापस चला गया 28 पर, तो इंडिया में कहते कहीं ना कहीं हमें, अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ मैं आपको वैसे अलग से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे आगे देखें तो वो ग्राफ में ये ग्राफ्स वगैरह के थ्रू आपको ये पॉइंट अपना बताने की ट्राई कर रहे हैं। देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक तरह की बात है जिस पर ये चाहते हैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाना, वो कहते हैं कि सेविंग्स की इंपॉर्टेंस की बात करें अगर, कि सेविंग्स इंपॉर्टेंस की क्यों है इंपॉर्टेंट, वो दो थिंकर है हमारे पास, एक फेल्स्टीन और एक हरोइका, तो फेल्स्टीन हरोइका पजल की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो कहते हैं कि जो हायर जो सेविंग्स हैं, एंड वो कहते हैं कि जो हायर सेविंग्स पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट जो है एफर्ट हमारा वो डोमेस्टिक सेविंग बढ़ाने पर लगा हुआ है, ठीक है, उस पर हमें लगाना चाहिए। यहाँ पर ये एक पॉइंट चाहते हैं अपना, ये पॉइंट बता रहे हैं आपको कि कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं सेविंग्स और ग्रोथ को हमने पॉजिटिवली कोरिलेट किया, ठीक है, सेविंग्स एंड ग्रोथ, लेकिन कहते हैं इससे भी स्ट्रॉन्ग एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो किसका है, वो है ग्रोथ का और इन्वेस्टमेंट का। तो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है सेविंग होंगी तो ग्रोथ होगी, ये हमने लास्ट इको सर्वे में भी बात पड़ी थी कि ज़रूरी नहीं है सेविंग्स होंगी तो ग्रोथ होगी, सेविंग्स जब इन्वेस्टमेंट में तब्दील होंगी तो ही ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि कहते हैं जो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कैसे तब्दील होंगी, जब आप कहीं जो आपका जो पैसा सेव किया वो कहीं इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट कब होगा, जब आपको पता होगा कि अच्छा रिस्की कितना है, अगर मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, अगर बहुत रिस्की हुआ आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर रिस्की कम हुआ तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि कल आपको लगेगा ग्रोथ हो रही है इन्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी वगैरह सेविंग्स मिलाकर, इसलिए वो बोल रहे हैं कि सेविंग्स हमेशा ही ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हिस्सा सेविंग का इन्वेस्ट नहीं होगा, एंड इन्वेस्ट नहीं होगा तो इसलिए हमें, अगर हमें एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हिट करना है उससे ज्यादा हमें सेविंग्स हिट करनी होंगी तो ठीक है, उतना लेवल हमें अचीव करना होगा तभी ही हमारे देश की इकॉनमी की ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं एक पजल की तरह सामने बनकर आता है कि हम सेविंग्स तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, कहते हैं कि सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी जरूरी है, अगर इन्वेस्ट नहीं होंगी सेविंग्स कुछ नहीं होगा। ओके, देन यहां जॉब्स की बात करते हैं तो वहां पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि एक डर रहता है, एक एप्रीहेंशन रहती है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी दुनिया में तो वैसे वैसे लेबर का खात्मा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगी चीजें, जब मशीनें चला रही हैं सब कुछ तो लेबर क्या करेगी। तो वो कह रहे हैं कि हमें कहते हैं चाइनीज एग्जांपल यहां भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि चाइना हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे चीजें लेबर कैपिटल इंटेंसिव होती गई वैसे वैसे लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। वो कह रहे हैं कि जैसे जब आप यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप क्या जब आपने कैपिटल इंटेंसिव बनाया मतलब मशीनें लगाई फैक्ट्रीज लगाई तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू चेन क्रिएट होती गई, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं जैसे वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर ओवरऑल एग्जांपल लेके बताते हैं कंप्यूटर्स का एग्जांपल कि किस तरह से कंप्यूटर्स बढ़े तो अलग अलग तरह के नए नए तरह के टास्क आ गए, कंप्यूटर चलाने वाले चाहिए थे, कंप्यूटर की दुकानों पर रिपेयर करने वाले चाहिए थे, बहुत तरह के टास्क आ गए, नई तरह की जॉब्स क्रिएट हो गई। वो कहते हैं एविडेंस हमें बताता है कि जॉब्स बढ़ गई घटी नहीं कंप्यूटर के आने से, ठीक है। तो इसीलिए बस वो क्या बोलते हैं कि वैल्यू चेंज वगैरह जब क्रिएट होती हैं तो ओवरऑल जो ये जॉब क्रिएशन को हेल्प करता है कैपिटल, ना कि उसको दबाता है ना कि उसको रोकता है, ठीक है। ओके, अब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स है हमारा वो कहते हैं एक कहीं ना कहीं वो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर कि कहते हैं अगर हम जो बहुत सारा जो हमारा शेयर ऑफ कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना, सिंपल सी चीज़ है। कंज्यूम कर रहे हो का मतलब क्या हुआ कि हम सामान कितना खरीद रहे हैं मार्केट से। देखो जितना सामान खरीदेंगे मार्केट से उतना ही फैक्ट्रीज को सामान बनाना होगा, अगर आप सामान ही नहीं खरीदोगे तो किस बात की सामान बनाएंगे वो। तो इसलिए कंजम्पशन इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको ग्रोथ दिखानी है, लेकिन कंजम्पशन की भी एक लिमिट है। एक तरफ तो देखो सिंपल, देखो डाउट समझाता हूं आपको मैं कि एक तरफ तो आपके आपको बोल रहे हैं कि अपनी सेविंग्स बढ़ा दो,
ठीक है, सेविंग्स बढ़ा दोगे तो कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं पैसे ही बचा रहा हूँ तो मैं कंज्यूम कैसे करूंगा, तो ये डाउट आ गया दिमाग में, अब क्या करें। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये दोनों का एक बैलेंस, ऑप्टिमल बैलेंस हिट करना होगा। कंजम्पशन बढ़ सकती है, सेविंग भी बढ़ सकती है, कैसे, दो तरीके हैं। कि पहला तो अगर आप लोगों की इनकम बढ़ा दें, ठीक है, पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये में से आधा लेट से वो सेव कर लेता था बंदा, आधा कंज्यूम कर लेता था, ठीक है। अब कहते लेट से आपने इनकम उसकी 200 कर दी, ठीक है, अभी भी मान लो 50-50 करता है, वो आधा सेव कर दिया आधा कंज्यूम कर लिया, दोनों बढ़ गए, ठीक है। कब, जब आपने इनकम लेवल इंक्रीज कर दिया। पहली चीज तो ये, इनकम लेवल इंक्रीज हो जाए अगर, तो सेविंग एंड कंजम्पशन दोनों पैरेलली इंक्रीज हो सकती हैं। दूसरा क्या बताते हैं वो, दूसरा बताते हैं कि ऐसा हमें कहते हैं कंजम्पशन जरूरी नहीं है कि हम डोमेस्टिकली कंज्यूम करें, किसी और को कंज्यूम करा दो। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सपोर्ट्स करा दो, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो सेविंग बढ़ेगी, तो मल्टीप्लायर करके एक इफेक्ट नजर आता है यहाँ पर। और इसलिए कहते हैं हमें अग्रेसिव एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी चाहिए जो हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और सब चीज़ें यहाँ पर चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में थोड़ी सी एक साइड स्टोरी है, वो कह रहे हैं कि चाइना में टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस हुआ करती थी, अभी भी हैं, तो कहते पहले छोटी छोटी जो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज लगाई उन्होंने टाउन एंड विलेज वालों ने, एंड उसमें उन्होंने सामान बनाना शुरू किया, बहुत ही हाईली लेबर इंटेंसिव थी, कि लेबर सस्ता था, सामान सस्ता बनता था, कहते ऐसे कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई उन्होंने, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उससे हुआ क्या कि जो प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने पे अपने इन्वेस्ट किया उन्होंने, जॉब क्रिएट भी करी, एक्सपोर्ट्स भी किए। एंड कहते 1999 में आते आते वहां देखा गया, 1980 में बोल रहे कि सिर्फ 1.5 मिलियन के आसपास थे, 15 लाख के आसपास, ठीक है। 1999 में देखा गया जो टीवीई जो टाउन एंड विलेज वाले थे वो 48% चाइना का सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे, एंड इतना जो लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद, सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक्स होने के बावजूद वो इतना अचीव कर पा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें इस बात से सीख लेते हुए, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ पर अगर हाईफाई जो अगर सिस्टम्स नहीं है तो हम कर नहीं सकते, कहते हम कर सकते हैं, चाइना ने भी किया था, हम भी कुछ कुछ यहां पर हमें इनोवेटिवली सोचना है, हम काम कर सकते हैं। ओके, देन अब वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो कह रहे हैं कि एक आपका जो स्टैंडर्ड आपको जो बात तंग करती है कि ना अभी ग्लोबल मार्केट है इतना मज़ेदार नहीं चल रही, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें अगर, तो ठीक है। वो कह रहे हैं जैसे जो वर्ल्ड, पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड है वो कहीं ना कहीं जैसे फेस कर रहा है डिसरप्शंस, इतना अभी जो अच्छे उसमें उछाल में नहीं है कि अगर दुनिया में अगर ना लेट्स से कि एक्सपोर्ट्स थोड़े रुके हुए हैं अभी, कि ग्रोथ नहीं दिखा रहे, तो वो कह रहे हैं कि सर ये टेंशन उनको होगी जिनके मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मान लो कि दुनिया में मान लो 25% सामान मैं बनाता हूँ, तो उस तब मुझे टेंशन होगी मैं 25 से कैसे 26 करूं 27 करूं। कहते इंडिया का शेयर तो ऑलरेडी इतना लो है अभी कि इतनी बड़ा अभी जो वर्ल्ड ट्रेड जो दुनिया में जितना भी हो रहा है उसमें हमें बिल्कुल छोटा सा हिस्सा हम कैप्चर कर पाए हैं अभी तक। कहते अभी तो हमें बहुत सारा हिस्सा ही कैप्चर करना है, तो अभी तो हमें इंडिया को जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट में शेयर कैप्चर करना है, मार्केट शेयर, ठीक है। कहते पहले उस पर ध्यान दीजिए मार्केट शेयर कैप्चर करने में, उसके बाद देखेंगे किस तरह से उसको ग्रो कराएं कि हम 10% पे 12% पे, अब देखें कि 15 कैसे लेके जाएं, ठीक है। तो ये वाली बात अभी तो कहते हैं अभी तो हम 1% के आसपास की बात करते हैं, एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कि हम ग्रो कैसे करें। अभी तो कहते हैं पूरा का पूरा मार्केट शेयर ही कैप्चर करने के लिए वहां पे ओपन है, एंड वहां पे आप अपना दिमाग लगाएं। लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं सुरजीत भल्ला कमेटी बनी थी, आर्टिकल भी लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एंड हमारे जो प्रधानमंत्री जी के जो इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी के पार्ट भी थे, तो वहाँ पर एक जो नीति आयोग में बनाया गया था वहाँ भी थे, तो ठीक है उन्होंने एक कमेटी बनी उनके अंदर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो कहते हैं हमें उसकी भी कहीं ना कहीं यूज़ करनी चाहिए जो उन्होंने सजेशन दिया। ओके, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है, अगर आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट शेयर जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाकर अपनी जो यहाँ पर मार्केट जीतने का, मार्केट शेयर जीतने का। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक बात बढ़ाता, ठीक है, अगर थोड़ा फोकस होकर थोड़ा पढ़ने की ट्राई करना। जो वो कह रहे हैं कि अब इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड जाके देखें तो क्या करना होगा, हमें ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट मतलब कि स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, ठीक है। अब यहां पर एक ये पर्टिकुलर अगर आप इतना पढ़ें अपने आप से एक बार, यहां पे अपने साइड में PDF रखा हुआ है, तो ये जो हायक हैं और ये जब इनको इको में जब नोबेल मिला तो अकॉर्डिंगली किस तरह से उन्होंने स्पीच दी, तो इसको पढ़ें आप, ठीक है। इफ मैन इज नॉट टू डू मोर हार्म देन गुड, ठीक है, इन हिज एफर्ट्स टू इंप्रूव सोशल ऑर्डर, ठीक है, एक बार इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ के देखें क्या कह रहे हैं, ठीक है, पॉज कीजिए चाहे अकॉर्डिंगली ट्राई टू रीड इट, अपने PDF में पढ़ सकते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, वो कह रहे हैं अब देखो समझो,
ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इंसान चाहता है कि कुछ सच में कुछ इम्प्रूव करना, कुछ अच्छा करना, ठीक है, कहते हैं हाँ डेफिनेटली वो कुछ बुरा भी कर सकता है बीच बीच में, लेकिन वो बुरा, वो जो बुराई हमेशा कम होनी चाहिए, अच्छाई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ओके। एंड कहते हैं कहीं ना कहीं अगर इंसान को पता है, जैसे अगर कोई नॉर्मल हमारा कोई समाज चल रहा है तो जहाँ पर चीज़ें एक पर्टिकुलर तरह से अरेंज हैं, ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, और वो कहते हैं अगर आपको इतना, अगर आपको बात अगर समझ आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ये बात एक्नॉलेज कर पाएंगे कि सब चीज़ों को जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर एक ऑर्गेनाइज्ड और एक पर्टिकुलर तरह से एक एक जैसे ऐसी कोई चीज़ जो कि सिस्टमैटिकली अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि सभी के रोल्स डिफरेंट होते हैं, सभी के जो आप जो आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो इतना कॉम्प्लेक्स है चीज़ें तो एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं हो पाएगा कभी कि वो हर चीज़ की मास्टरी कर पाए, ठीक है, फुल नॉलेज कभी एक्वायर कर पाए। अब कहते हैं अब क्या करें, तो देखो ये इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए कितनी अच्छी बात बोलेंगे अभी, तो कहते हैं ओके ठीक है हमने मान ली ये बात, तो कहते हैं अब क्या करें, तो कहते हैं अगर आप ये वाली कभी नॉलेज कहते कभी अचीव नहीं कर सकते तो आपको करना क्या चाहिए, तो कहते हैं डोंट ट्राई टू बी अ क्राफ्ट्समैन, ठीक है, क्राफ्ट्समैन क्या है, क्राफ्ट्समैन जैसे मान लीजिए कोई जो आपके लिए जो मटका या घड़ा बना रहे हैं, जो पॉटर है आपका या क्राफ्ट्समैन है जो आपके लिए कुछ क्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, वो कहते हैं वो क्या करता है, वो एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाता है, और लेट्स से कि पहले मिट्टी का वो ढेर था, मिट्टी के ढेर को उसने जो पॉटर ने घुमाया एंड उसको कभी कभी सुराही की शेप दे दी, कभी उसको मटके की शेप दे दी, है ना, वो एक एक चीज खुद गाइड कर रहा है, खुद बना रहा है, कहते डोंट ट्राई टू बी अ क्राफ्ट्समैन, एक एक चीज खुद बनाने लगोगे तो नहीं हो पाएगा, तो कहते करें क्या, कहते देन बी अ गार्डनर, ठीक है, गार्डनर बनो, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जो कि अप्रोप्रिएट सनलाइट होनी चाहिए, वहां पर अप्रोप्रिएट आपके जो मिट्टी में न्यूट्रिशन होना चाहिए, मिट्टी की आप खुदाई करते रहें थोड़ा थोड़ा देर बाद ताकि एयर जाती रहे अंदर एटसेट्रा, ठीक है, पौधा अपने आप बढ़ता रहे, पौधे को खींच नहीं सकते ना कि मैं खींच दूं पौधे को, वो ठीक है बात समझ रहे हैं, आप कहते हैं यू नीड नॉट बी अ क्राफ्ट्समैन बट यू कैन बी अ गार्डनर, ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट करो, आप एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करो, तो सरकार को बोल रहा है एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने आप लोग पौधे के जैसे हैं अपने आप उगेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी लाइन है, मजेदार लाइन है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह से लिखी गई है, बट अगेन जो थिंकर लोग हैं ऐसी बातें करते हैं हाईफाई, तो इसीलिए हम जैसे टीचर्स जो की रिक्वायरमेंट दुनिया में हमेशा रहती है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं आप भी औरों के लिए भी चीजें सिंप्लीफाई करते रहें, ठीक है, थोड़ा सा प्रवचन हो गया बीच में, कि आप भी औरों के लिए जो सिंप्लीफाई करते रहें, जरूरी है कि ना जो नॉलेज सब तक पहुंचे, दुनिया अभी नॉलेज पर ही बेस्ड है, नॉलेज पर ही चल रही है आज की दुनिया, तो आप जितनी नॉलेज को स्प्रेड करेंगे उतना ही आप दुनिया का भला कर रहे हैं, मेरा मानना तो यही है, ओके चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं इकोनॉमीज आज की बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हैं, इंटरवोवन हैं, और जो यहाँ पर अगर आप इसको अगर पॉलिसी मेकर हैं आप एक एक चीज़ को चाहें अगर आप कंट्रोल करना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो इक्विलिब्रियम वगैरह ये भी सब मानना बंद करें, वो कह रहे हैं कि इसीलिए क्या बोलते हैं आगे, देखो रॉड्रिक को कोट करते हैं, लास्ट ईयर के जो इको सर्वे था उसमें भी रॉड्रिक को बहुत ज़्यादा कोट किया गया था, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी हमें क्या बताया 2008 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस ने, कि रियल वर्ल्ड में रियल पीपल पर आप जो मैथमेटिकल मॉडल नहीं लगा सकते, ठीक है, तो मैथमेटिकल कहते इतना सारा जो मैथ 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 करके हमने जो मॉडल्स बना दिए एक्सेट्रा कर दिया, तो वो रियल वर्ल्ड में रियल पीपल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता इतना एक्यूरेटली, तो इसलिए कहते हैं आपको अपनी थ्योरीज में भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वाली जो चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिहेवियर, कि आपको बिहेवियर को कहीं ना कहीं जो इंक्लूड करना होगा, बिहेवियर्स किस तरह से होते हैं, वो कहते हैं कहीं इकोनॉमी में सबसे पहले आप एक वर्ड पढ़ते हो, अगर आप इको ऑप्शन पढ़ो तो वो सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं REM, कि ह्यूमन बीइंग इज एन REM इज रैशनल इकोनॉमिक मैन, ठीक है, कि रैशनल है और इकोनॉमिक है, कि कोई भी चीज़ फालतू में खर्च नहीं करता, ठीक है, और रैशनल है, सब चीज़ों को रैशनली सोच के लॉजिकली सोच के, ऐसा होता है दोस्तों कि आप कितनी सारी चीज़ें होती हैं आप इरैशनली खरीद लाते हो जस्ट बिकॉज यू लाइक देम, ठीक है, मार्केट में गए ऐसा सामान खरीद लाए जो कभी जिंदगी में दोबारा यूज नहीं किया, आप UPSC एस्पिरेंट हो, आपने कितनी बार तो आपने ऐसे नोट्स उठा लिए, इतने सारे कोर्सेज एनरोल कर लिए जो आपने कभी दोबारा सुने भी नहीं, ठीक है, तो आप रैशनल हैं या फिर, ठीक है, तो इरैशनल हुए आप सब लोग, तो कहते जब इतना हम इरैशनैलिटी दिखाते हैं हमारे बिहेवियर्स में चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं हम कर देते हैं, हमें चाहिए भी नहीं होती, हमें करनी भी नहीं होती, ठीक है, तो कहते किस तरह से हम ये मॉडल्स में REM अज्यूम कर रहे हैं, तो कहते इसको भी थोड़ा बदलना होगा, ठीक है, ये वाली बात बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर वो बोलते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है हमारी वो क्या करती है कि जो आउटसाइड शॉक जब तक नहीं आएगा इक्विलिब्रियम चला रहेगा। तो कहते हैं लेकिन रियल लाइफ ऐसे नहीं है दोस्तों, रियल लाइफ में तो हर वक्त ही डिसइक्विलिब्रियम है। हम इक्विलिब्रियम लाने की ट्राई कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम काम कर रहे हैं एंड देन उसको आगे ही यहाँ पे बिल्ड करते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये साइडी, थोड़ा साइडी सी चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, थोड़ा बस ज्ञान की वृद्धि के लिए सुन लो। एंड अगर आपका लेट से सोशोलॉजी ऑप्शन है तो सुन लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शायद काम आ जाए आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, वो कहते हैं दुनिया में थ्योरीज कैसे बनती हैं, तो थ्योरीज कैसे बनती है, वो कहते हैं पहले कोई स्टैंडर्ड थ्योरी एग्जिस्ट करती होती है, मतलब पॉलिसीज कैसे बनती हैं, ठीक है, पॉलिसीज के बारे में बात सुन लो, ठीक है। तो वो कहते हैं स्टैंडर्ड थ्योरी को एग्जिस्ट करती है, उस स्टैंडर्ड थ्योरी को आप अपने हिसाब से फिट करने की ट्राई करते हो अपने रियल, अपने वर्ल्ड में। जो थ्योरी स्टैंडर्ड है, जो किताबों में एग्जिस्ट करती है, आप रियल वर्ल्ड में डालने की ट्राई करते हो। एंड देन कोई सब चीजें एक जैसी चलो हो गई तो हो गई, कुछ चीजें जो आपके मॉडल के हिसाब से नहीं हुई, आप कहते हो अरे पजलिंग बात है ये तो बड़ी, ये क्या हो गया, ठीक है, कि हमारे में ये फिट इन नहीं हो रही, चलो इसको पजल मान के थोड़ा साइड में रख देते हैं, इसको बाद में अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आप सोशो में, अगर आपने अगर क्लासेस लगाई हैं सोशो, अगर आपके पास है, तो उसमें एक वो बात बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन, कि थ्योरीज हमेशा ही अच्छी तब बनेंगी जब आप जो ऐसे डेटा को निकाल के लाएंगे, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे एग्जाम्पल्स को निकाल के लाएंगे जो आपकी थ्योरी को गलत प्रूव करते हैं। कहते देखो ये कार्ल पॉपर का आइडिया वैसे, तो वो बोलते हैं कि फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है, आपने थ्योरी बनाई, थ्योरी सब जगह इंप्लीमेंट होगी, बस एक जगह नहीं हुई। वो कहते हैं अच्छा इस एग्जांपल को नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, क्योंकि ये वाला एग्जांपल जहाँ पे आपकी थ्योरी प्रूव नहीं हुई, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर आपने प्रूव कर दिया, अपनी थ्योरी का पार्ट बना दिया, आपकी थ्योरी और बेटर हो जाएगी। अब आपके पास ऐसे केस नहीं है जहाँ पे आपकी थ्योरी फॉल्स होगी। कहते देन इसलिए कहते साइंटिस्ट का एम क्या होना चाहिए, फॉल्सिफिकेशन को ढूंढना, फॉल्स एग्जांपल्स को ढूंढना जहाँ पे आपकी थ्योरीज प्रूव नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए वो कहते जनरली साइंटिस्ट उल्टा सोचते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स जो आपकी को नहीं मानते आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, कहते रादर पकड़ो ऐसे एग्जांपल्स को, उनको प्रूव करो, अपनी थ्योरीज को बेहतर बनाओ, ठीक है, ओके। अब जैसे एग्जांपल है बहुत अच्छा, लुकास का एग्जांपल है, वो लुकास लिखते हैं किताब में अपनी कि किस तरह से कहते हैं कि ना स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि जिस ऐसी कोई इकॉनमी जहां पे बहुत सारा धन दौलत है, कैपिटल रिच है, वहां से पैसा अपने आप ही कैपिटल पुअर कंट्रीज में चला जाएगा जहां पे पैसा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अभी वहां तो सामान ही नहीं बनना शुरू हुआ, अभी आप सामान बनाएं अमीर हो जाएं। तो कहते लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हायर रिटर्न्स भी चाहे मिलेंगे उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता, ये रैशनल डिसीजन लगता है हमें सोचने में, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ये क्यों है कि इरेशनैलिटी क्यों है इतनी फिर, तो कि कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कि कैपिटल रिच है, कैपिटल पुअर कंट्रीज में पैसा क्यों नहीं जा रहा बार बार। तो कहते रादर उल्टा देखने को मिलता है हमें, चाइना से पैसा बहुत सारा यूएसए जा रहा है, जो कैपिटल रिच इज यूएसए लेकिन द मनी इज फ्लोइंग अदरवाइज, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते इसलिए रियल वर्ल्ड में कहते हमें ये पजल नजर आएगा, लेकिन अगर हम अपनी थ्योरी को थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाते, जैसे हम बनाते हैं कहते जैसे नेचुरल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में बनाते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर वो कि आप पहले डेटा कलेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड से, उस डेटा के हिसाब से आप अपनी थ्योरी बनाते हैं, एंड देन उसके बाद जब नया डेटा आ जाता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, आप अपनी थ्योरी को अकॉर्डिंगली बदल देते हैं। तो वो कह रहे हैं इसी तरह से हमें काम करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, कि जहां पर डेटा लो, डेटा से आप थ्योरी बनाओ, थ्योरी को बदलते रहो टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपके पास नया डेटा, कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा आता रहे, ठीक है। तो यही मॉडल जो बताने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि डिसइक्विलिब्रियम वाली पूरी इसकी चैप्टर की थीम यही है। ओके, देन आगे वो थोड़ा सा 5 ईयर प्लान्स की बेइज्जती करते हैं यहाँ पर, कि किस तरह से 5-6 प्लान जो बनाए गए यहाँ पर, पंचवर्षीय योजनाएं, वो किस तरह से इक्विलिब्रियम मॉडल पर चलती थी एंड वो फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड को इंक्लूड ही नहीं किया वहाँ पर, कि किस तरह से वर्ल्ड कितना अनप्रडिक्टेबल है। तो कहते क्या करें, पॉलिसी कैसे बनाएं दुनिया अगर अनप्रडिक्टेबल है, तो कहते सिंपल सा काम है कि पहले कहते अपनी विजन क्लियर होनी चाहिए, आपको पहुँचना कहाँ पर है, ठीक है। अगर विजन क्लियर होगी उसके बाद आप एक जो उसको कैसे पहुँचने का प्लान बनाओगे, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाओगे, एंड देन उसके बाद आप रिकैलिब्रेट करते रहोगे अपने आप को, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लान में, रिकैलिब्रेट करते रहोगे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्लियर विजन, कि मैंने अच्छा दिसंबर तक मैंने अपना ऑप्शनल खत्म कर देना है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटजी, अच्छा अब इस महीने में कितना 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 कवर करना है, ठीक है, ओके, कुछ उतार चढ़ाव आ गया, बीच में कोई पेपर आ गया, किसी दोस्त की शादी आ गई, कोई बीमार हो गए, तो रिकैलिब्रेट, ठीक है, ओके, महीने मैंने सोचे थे 8 है मेरे पास लेकिन रह गए 7, तो अकॉर्डिंगली रिकैलिब्रेट करना होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट्स इट, रियल लाइफ में ऐसे काम करते हैं हम अगर आपने रैंक निकालना है। तो कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग भी ऐसे क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, दैट्स इट, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको प्लान बता रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वो बोलते हैं कि हमें मॉडलिंग अप्रोच
बदलनी होगी, बिहेवियरल इंसाइट डालने होंगे, ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स की बातें करनी होंगी, एंड जैसे जैसे डिस्कवर होते रहेंगे उनको उनको इंक्लूड करना होगा। माइक्रो डेटा, डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस इको सर्वे में। वो कह रहे हैं डेटा एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह ही डील होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो किस तरह से सस्टेनेबली डेवलप करना है, एंड देन फाइनली अगर हमें देखना है किस तरह से ये इनइक्वालिटी को प्रमोट ना करे, ठीक है। इनइक्वालिटी कोई बहुत अमीर हो गया कोई गरीब रह गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काम हमें करना होगा, ठीक है। तो अब बाकी वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर यहाँ पर लेसन है हमारे लिए कि किस तरह से बिहेवियर ऑल्टर करने वाली सरकार ने स्कीमें चलाई, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एग्जाम्पल लेते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशो इंप्रूव हो गई, पर्टिकुलरली उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो कहते हैं क्योंकि बिहेवियर पर काम किया गया। अब वो बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव क्या है, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। तो कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप बिहेवियर को ऑल्टर करने की बात कर रहे हो, ऐसी स्कीम्स हमें लानी होंगी। स्वच्छ भारत में कहते हैं जब बिहेवियर पे जब बात आई किस तरह से बच्चों के की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है सफाई रखने से, उससे जब जोड़ा गया तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। करें मलेरिया के केसेस कम हो गए, डायरिया केसेस कम हो गए, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट कम हो गया। तो अब इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जोड़ना होगा हमें स्वच्छ भारत को आयुष्मान भारत से। एंड वो जब क्या बनाते हैं यहाँ पे स्वच्छ, जो आपका जो जो स्वच्छ भारत से बना दिया स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत को एंड जोड़ के क्या बना दिया सुंदर भारत। वो कह रहे हैं सुंदर भारत अभियान चलाना होगा जहाँ पे जो कि स्वस्थ भी होगा आयुष्मान भी होगा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं ओवरऑल कहते हैं आपको इन चीज़ों को जोड़ के लोगों तक बताना होगा, उनके बिहेवियर को ऑल्टर करना होगा कि किस तरह से आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे आपकी सेविंग्स इंक्रीज होती हैं, एंड सरकार को भी मानना होगा कि किस तरह से सेविंग बढ़ती है तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के स्कोप है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए वो क्या बोलते हैं सरकार को क्या कहीं ना कहीं गाइडलाइन दे रहे हैं कि सरकार को बोल रहे हैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ये आपकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, ये चाह रहे हैं बताना। देन बाकी बता रहे हैं कि किस तरह से जो इवन की जो ऐसे पॉलिसीज लाइक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो है आईबीसी, इसमें भी कहते जब एक थ्रेट डाला गया कि अगर आपकी कोई चीज आईबीसी तक पहुंच गई तो आपको कंट्रोल लूज हो जाएगा आपका, ठीक है, यू विल लूज कंट्रोल, ठीक है। जैसे क्योंकि उसके बाद जो आपका एक बार आपका आईबीसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं तो कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कंपनीज इंक्रीजिंगली क्या चाहती हैं कि डिफॉल्ट ना करें, कहते हैं अदरवाइज पहले बहुत सारे फ्रॉड्स और विलफुल डिफॉल्ट शुरू हो गए थे कि जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं करते रहते हैं, तो कहते हैं अब उस पर एकदम से वहां पर रोक लगी क्योंकि कंपनी का कंट्रोल चला जाता है। तो एक तरह से थ्रेट किया बिहेवियर पर ऑल्टर करने की यहाँ पर ट्राई की, एंड कहते इट इज रीपिंग अस गुड रिजल्ट्स। एंड देन कहते टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन कम हुई, एंड देन उससे क्या होता है हमारे पास जो टैक्स पेयर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव हो गया, हमारा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई दिखती है इनको। एंड देन जीएसटी में बात करते हैं कि कहते जीएसटी में कहीं ना कहीं आपने जब कहते लोगों को समझाओ कि चाहे शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हैं, पीपल दे सपोर्ट यू, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो लॉस एवर्जन है कि नहीं नहीं आज हमारा नुकसान हो गया, वो कहते लॉस एवर्जन को भी हमें कहीं ना कहीं कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा, एंड उसी से ऐसा करके ही हम अपनी कहते पॉलिसी और लॉज को बेटर बना सकते हैं। देखो यहाँ पे कहते लोगों को डर बहुत लगता है कि हमारा नुकसान ना हो जाए, तो कहते हाँ डेफिनेटली नुकसान हो सकता है लेकिन आप उसके चक्कर में आप इंप्रूवमेंट या रिफॉर्म की तरफ ही नहीं बढ़ोगे तो कहते दैट विल बी अ बिगर लॉस, ठीक है। तो ये बात करते हैं और बाकी वो सात प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमी किस पे काम करती है, वो आगे तस्वीर में आपको दिखाया गया किस तरह से जो डिफॉल्ट रूल्स हैं उनको, डिफॉल्ट रूल मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट करती करती हैं जिन पर लोग काम करेंगे करेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया में पेट्रियार्की है कि मेल प्रोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप पॉलिसी बनाएं ताकि बदलाव लाना है तो उसको दिमाग में रख के लाया जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि लोग ऑटोमेटिकली उसको चूज करें ऐसी पॉलिसी हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स के साथ में चलती हो, एंड पहले लोगों को बताओ कि आउटकम्स क्या, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आउटकम्स क्या आने वाले हैं, ठीक है, उसको बार बार रीइन्फोर्स करो। एंड देन लॉस एवर्जन कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसी बातों को आपको लोगों को इससे दूर ले जाना है कि नुकसान शॉर्ट टर्म में हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स अ फायदा। एंड देन बाद में आप क्या करो कि मेंटल मॉडल्स बनाकर, जैसे कि दिमाग में जैसे आप चीजें कैसे इमेजिन करते हैं, ऐसी चीजें आप इस तरह से इमेजिन करा के अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक इट टू पीपल, ठीक है, लोगों को समझाना जरूरी होगा। एंड देन अब यहां पर डेटा की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे कोर्स शुरू करते हैं डेटा को, वो जो डेंग जो शियापिंग जो थे, जो डेंग रिफॉर्म चाइना में जो जिन्होंने रिफॉर्म शुरू किए 70s में, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहां पे 70s 80s में कि किस तरह से वो डायलॉग क्या है उनका, बहुत ही मजेदार लाइन है, वो कह रहे हैं कि क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स।
तो मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि रिवर कहते क्रॉस कैसे करते हो आप जमीन पर जो स्टोन्स को फील करते हुए आगे बढ़ते हो, हाँ जमीन है कि नीचे दिख तो रहा नहीं है कि रिवर में क्या है नहीं नीचे, एंड कहते आप स्टोन्स को फील करते 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 आप रिवर में आगे बढ़ जाते हो एंड रिवर भी क्रॉस हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि डेटा जो डेटा है आपका, ये आपको स्टोन्स हैं, ये गाइडिंग लाइट्स हैं, ये आपको बता रही हैं कि किस तरह से, हाँ चाहे अनसर्टेन है, चाहे पानी में पानी बिल्कुल मडी है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं हम, तो कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप जो स्टोन्स को फील करते रहो एंड ग्रेजुअली जो ये रिवर फ्लो कर रही है, बहुत जो अनसर्टेनिटी की रिवर है, इसको भी आप पार कर जाओगे, किसके हेल्प से, डेटा के हेल्प से, जो कि आपके क्या हैं, आपके स्टोन्स हैं, गाइडिंग स्टोन्स हैं आपके पैरों के नीचे, आपको फील हो रहे हैं कि हाँ आपके आपको रास्ता गाइड कर रहे हैं पूरा, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो हमें डेटा कौन सा चाहिए, हमें ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही होना चाहिए डेटा, एंड देन कहते टेंशन क्या है, लेकिन फिर डेटा अगर करना है तो करो फिर, कहते लेकिन जो सरकारी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास बहुत सारा डेटा है, प्रॉब्लम क्या है, वो स्कैटर्ड है, वो बहुत सारे जगहों पर स्कैटर्ड है, तो इसीलिए अगर हम कहते हम पॉलिसी मेकिंग अगर हमें अच्छी करनी है, ईज ऑफ लिविंग एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की, ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं कर रहे, एविडेंस है हमारे पास, वो अगर टारगेटिंग अच्छी करनी है और अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है, बहुत सारी चीज़ों को अगर हमने बेहतर बनाना है, तो हमें डेटा पर को हमें कहीं ना कहीं इकट्ठा करना होगा, ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे। बट वो कह रहे हैं सभी कुछ इन सभी टेक्नोलॉजीज वगैरह के पीछे हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा कि प्रिवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इसका लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी लाइन लिखते हैं कि डेटा एक पब्लिक गुड है बट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क भी होगा डेटा प्रिवेसी का, ठीक है। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, अच्छी अच्छी लाइनें नोट करते रहना, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी ये अच्छे आंसर्स बनाने में। ओके, लीगल सिस्टम की बात करते हैं, वो कह रहे हैं लीगल सिस्टम हमारे देश का बहुत ही ज्यादा कहते बहुत ही खस्ता हालात में है, 5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे केसेस पेंडिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टैंडर्ड बातें। एंड देन वो कह रहे हैं कि इसीलिए कहते अगर आपको एक पहले कहते दुनिया इतनी अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता नेक्स्ट क्या हो जाए, कहते उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्फोर्स नहीं हो पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स कराने आप जाते हो तो जो आपके जो कोर्ट है वो सालों साल तक आपका केस लटकाता रहता है, तो कहते इसलिए डबल यहाँ पर नुकसान हो जाता है कि एक तो दुनिया अनसर्टेन, ऊपर से रूल ऑफ लॉ भी नहीं हो पा रहा, वो भी अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज स्ट्राइक करती हैं जब हमारा यहाँ पर केसेस पेंडिंग रह जाते हैं बहुत टाइम तक। तो कहते हैं पुराने वो कहते हैं कौटिल्य वगैरह ने भी कहा किस तरह से जो मत्स्य न्याय क्या है, रूल ऑफ द फिश, रूल ऑफ द जंगल, कि किस तरह से जंगल लॉ नजर आता है कि भाई जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट थे उसने अपना काम करवा लिया, उसने अपना जो केस उलझा लिया, जिसके नहीं थे वो बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि जो हायक को अगेन कोट करते हैं, रोड टू सर्वडम, बहुत ही फेमस किताब है इनकी, इसमें वो कोट करते हैं कि किस तरह से कहते एक डेवलप्ड कंट्री को और एक जो आर्बिट्ररी कंट्री को, आप अगर आपने कभी डिफरेंशिएट करना है तो क्या बोलते हैं, एक ही रूल है क्या, देखो रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है कंट्री में तो कंट्री डेवलप्ड है, अगर नहीं है तो कंट्री कोई डेवलप्ड नहीं है, आर्बिट्ररी गवर्नमेंट है वहाँ पर, आर्बिट्ररी कंट्री है वो, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर वो वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कोट करते हैं, कहते हैं इंडिया का रैंक 163 है, इतना पीछे है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स नहीं हो पाते क्योंकि कोर्ट केसेस पे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि कहते जितनी हमें लग रही है प्रॉब्लम खतरनाक है, डीप है, कहते 5 सालों में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सिर्फ छोटे से बदलाव करने में, कहते हमारे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो जजेस की, वो उसमें अगर उतनी ही स्ट्रेंथ पर अगर वो काम करें लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दें, कि अगर वो कितना आउटपुट निकाल रहे हैं वो इंक्रीज हो जाए, तो लेट्स से कि अगर लोअर कोर्ट्स में 25% के आसपास, हाई कोर्ट में 4% एंड सुप्रीम कोर्ट में इतना 18% से अगर अपनी वो अगर यूज प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें तो हमारे सारे केसेस 5 साल में ख़त्म हो सकते हैं। एंड देन वो क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ा दिए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रोसेस रिफॉर्म्स कर दिए जाएं, तो हम ये एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग पर आते हैं अगला सवाल, कि ये वही सिंपल बात ना, क्लियर विजन एक्सेट्रा वगैरह, वो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आप ये पॉलिसी मेकिंग इनकंसिस्टेंट कर देते हो तो आप इंक्रीजिंगली वेरिएबल लेकर आ रहे हो डिसइक्विलिब्रियम वाले वर्ल्ड में और डिसइक्विलिब्रियम डालने के, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कहते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी, अगर हम देखें इंडिया का ग्राफ बना के दिखाते हैं वो, कि कहते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं घटती गई जो एक ओवरऑल अगर देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इनके जो जो मीट्रिक्स रहे होंगे जैसे भी जो जिस तरह से नापा होगा तो वो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि कहते हैं जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं,
पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स को भी, जैसे ना कि जैसे मान लीजिए ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्म जिससे लोगों को बहुत टेंशन हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी, वो कहते हैं इवन अगर उनको भी अगर हम अपने अगर हम लोगों को बताया हो कि हमारी विजन ये है, उस विजन के चलते ये रिफॉर्म्स करने होंगे, तो कहते कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लोगों में डर क्रिएट नहीं करते, ठीक है, और इतना ज़्यादा लोगों को डिसरप्ट नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में इतनी जो मुसीबत लेकर नहीं आते। तो कहते करना क्या है, आपको अपनी विजन को आर्टिकुलेट करके लोगों तक पहुँचाना है एंड रिफॉर्म करते चलना है, तो उससे हो जाएगा उससे, ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कहते जब आप पॉलिसी अनसर्टेनिटी बनाते हैं तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी बनाने से क्या होता है, आपके सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, सिस्टम जो आपका जो ओवरऑल जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, पॉलिसी अनसर्टेन होगी कि कुछ नहीं पता है, सरकार आज ये बोल रही है कल कुछ और बोल दे, तो इसलिए कहते सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाता है, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है एंड आपके यहाँ पर लोग आएंगे नहीं, इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो ग्रोथ अचीव करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि कहते आपको पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स है उसको हमेशा हमेशा टॉप जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमेशा ही हमेशा इस पे नजर बनाए रखनी है, क्योंकि कहते इसको अगर आप मेजर कर लोगे इस पे आप एक्शन भी उठा लोगे एंड कहते क्वार्टरली बेसिस पर इसको नापें एंड कौन हाईएस्ट लेवल पर, ठीक है। ओके, अब डेमोग्राफी की बात करते हैं कि डेमोग्राफी, अभी डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से कहते हमारे देश की आबादी यंग होती जा रही है, अगर आप यहां ग्राफ देखें तो वो दिखाते हैं कि कहते देखो 2040 तक तो कहते कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट होंगे, 8.9% के आसपास वर्किंग एज का पार्ट होंगे एंड देन, लेकिन आप यहाँ पे पैरेलली एक बात देखें कि कहीं ना कहीं जो आपके 60 प्लस वाले जो लोग हैं 60 प्लस वाले ये भी बढ़ते जाएंगे विद टाइम, ठीक है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अभी इको सर्विस की बात नहीं करता लेकिन चलो अलग सवाल है वो, ठीक है। तो कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी तो उससे होगा क्या, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% के आसपास पहुंच जाएगी 2041 में, अभी कहते 50% के आसपास है, तो उससे दो तरह के फायदे क्या होंगे कि कहते एक तो देखो कि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है उससे हमारी अगर आप वर्किंग भी हैं, ठीक है, और आपके पास बच्चे भी कम हैं आगे, ठीक है, आपके पहले से घर में चार बच्चे थे अब दो रह गए, तो आप पर कैपिटा इनकम जो मिली वो बढ़ जाएगी, फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं कहते सेविंग्स बढ़ेंगी तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगी, तो बहुत ही अच्छी तरह से कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं ये क्यों हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंजेस से ही हो पा रहा है। ओके, देन आगे वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे देखो आपके जो आप किस तरह से हमें फायदा मिल सकता है इन सब चीज़ों का, कि आप जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स की कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसमें इंक्रीज कैसे हो सकता है, कि यहाँ पर अगर आप देखें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो पर फैमिली या फिर जो पर कपल जब वो डिक्रीज हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, स्किल एजुकेशन एक्सेट्रा बढ़ जाती है, तो अकॉर्डिंगली लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो अकॉर्डिंगली सेविंग रेट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है एंड इसलिए आपका जो डेमोग्राफिक सच में डिविडेंड आपको बहुत ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल कोट करते हैं यहाँ पे चाइना का, जापान का, साउथ एशिया और कंट्रीज का, तो जिन्होंने बहुत इसका फायदा उठाया, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आप इसका बात का ध्यान रखें हमेशा। ओके, कि आप कह रहे हैं फ्यूअर माउथ्स टू फीड बोलते हैं ना, फ्यूअर माउथ्स टू फीड, आपको कम बच्चों का ध्यान रखना है तो अकॉर्डिंगली आपके रिसोर्सेज का बेटर फायदा होता रहेगा, ठीक है। और कहते कहीं ना कहीं कहते अब एक और बात, कहते सेविंग्स हमारे देश में ज़्यादा इंक्रीज क्यों होंगी, क्योंकि कहते कहीं ना कहीं हमारे देश में एशियन या इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हो कि यहाँ पर बुढ़ापे की लाठी माना गया हमारे बच्चों को, ठीक है, बच्चे हैं, कहते जब बच्चे ही कम हो जाएंगे तो लोगों को और सेव करना होगा, ठीक है, और सेव करना होगा क्योंकि बुढ़ापे की लाठी अभी थोड़ी कम हो गई है, पहले चार थी अब दो रह गई हैं, तो इस कारण से, ठीक है, तो ये कहीं कि ये बिहेवियरल वाले एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डील करता है इको सर्वे। एंड देन उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सिंपली अगर जो मीनिंगफुल वेजेस की बात करते हैं यहाँ पर, कि मीनिंगफुल वेजेस को ही हमें इंक्रीज करना होगा। मीनिंगफुल वेजेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो कि कंजम्पशन को भी इंक्रीज करें एंड सेविंग को भी इंक्रीज करें, ऐसी वाली वेजेस, ठीक है, आप वेजेस बढ़ा दें लेकिन वेजेस बढ़ा के ऐसा कुछ कोई खास बदलाव नहीं आया, चीज़ें भी उतनी महंगी हो गई एंड अकॉर्डिंगली ना तो सेविंग बढ़ी ना तो कंजम्पशन बढ़ा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखें आपकी इंपैक्ट ऑफ जो डेमोग्राफी ऑन सेविंग्स, तो यहां पे क्या बोलते हैं कि एज के हिसाब से अगर हम देखें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या इंपैक्ट रहता है, तो कहते हैं 25-30 साल के आसपास की जो एज है यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम हो जाती है, ये इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पॉइंट है कि 25 के आप यहां पे इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं एंड देन वो कहते हैं जैसे जैसे आप देखें कि आपकी जो एज पहुंचती है जब 45 के आसपास एंड देन तो आपकी सेविंग रेट मैक्सिमम हो जाता है, होगा ना सर उसके बाद, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यू विल नॉट बी एबल टू सेव मच क्योंकि आपके इनकम्स वगैरह जो स्टैग्नेंट जाएंगी एंड खर्चे बढ़ जाएंगे बुढ़ापे के कारण जो हेल्थ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, तो आपकी सेविंग्स ड्रॉप होती जाती हैं एंड देन जो बाद में तो एक पॉइंट के बाद तो सेविंग्स जो घट भी जाती हैं, ठीक है, आपके सेविंग्स पे दे स्टार्ट डिप्लीटिंग। तो कहते हैं हमें ये स्वीट स्पॉट को हिट करना है, अभी हमारे देश की आबादी बहुत यंग है तो अभी हम सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ा सकते हैं। ओके,
ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखें तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए कहते हैं सिर्फ और सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें नहीं है, डेमोग्राफी भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है अगर हम सही से काम करते रहें, प्लान करते रहें। अब यहाँ पर नेक्स्ट कि जॉब क्रिएशन की बात करें, जॉब क्रिएशन वगैरह होंगी कहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि हमें कंपनीज की तरफ देखना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखना होगा किस तरह से वो काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये कंपनीज की बात करेगा कि कंपनीज किस तरह से हैं, तो मैं तीन तरह से आपको समझाता हूँ कंपनीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखते हैं पहले हम, ठीक है, पहला वो कहते हैं कि जो नाम लिखते हैं यहाँ पर कि ऐसी कंपनीज जो कि क्या हैं, अभी बहुत टाइम से हैं जो काम कर रही हैं, 10 साल से ज़्यादा काम करते हुए उनको हो गया, लेकिन उनमें लोग 100 से कम हैं। ठीक है, उनको वो क्या नाम लिखता है उनके लिए, ड्वार्फ्स। ठीक है, ड्वार्फ बोलता है उनको। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ड्वार्फ्स बोलते हैं उनको कि वो स्मॉल फर्म्स हैं जो कि कभी भी जो बहुत टाइम से काम कर रही हैं लेकिन भी बड़ी नहीं हो पाई। ठीक है, एंड देन उसके बाद कि 100 से कम लोग हैं उनके पास, देन कहते हैं ऐसे भी हो सकता है कंपनीज की, कहते हैं जैसे क्योंकि कंपनी शुरू होती है एकदम से 100 लोग तो नहीं होते ना, तो टाइम देना पड़ता है उनको कंपनीज को, कहते हैं लेकिन 10 साल बीत गए अभी तक बड़ी नहीं हुई, तो एंड 100 से कम ही इंप्लॉयज हैं, कहते कहीं ना वो कहीं उनमें अगर इनका रिसर्च बताता है कि उनमें प्रोडक्टिविटी भी लो है एंड देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हिट नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल भी नहीं बन पा रही, तो टेंशन की बात है। एंड वो उसके बाद ये मल्टीपल तरह से बताते हैं एंड कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि कहते हैं ड्वार्फ हम सिर्फ कंपनीज के लिए यूज कर रहे हैं, इंसानों के लिए हमारा कोई सेंसिबिलिटीज हर्ट करने का पर्पज नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकली करेक्ट भी होने की ट्राई कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अब कहते हैं नेट वैल्यू एडेड देखें अगर कि कहते हैं ड्वार्फ्स हैं हमारे जो कंपनीज हैं बहुत सारी हैं, अप्रॉक्सीमेटली देखें तो आधी से ज्यादा हमारी यहां पर कहते जो कंपनी जो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो वो कौन है, ड्वार्फ्स हैं, एंड लेकिन सिर्फ 13% वैल्यू एड कर रही है एंड कितने बहुत ही जो वैल्यू 4% एड कर रही है, 13% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आधी कंपनियां सिर्फ 13% लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। देखो वही अपनी एग्रीकल्चर वाला हालात है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया लेकिन वैल्यू कितनी कम ऐड करी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं लेकिन यंग लार्ज फर्म्स भी हैं जो अभी 10 साल से जो कम जिनको टाइम हुआ लेकिन 100 से ज़्यादा हो गई हैं, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, वो कहते हैं कि उनका डेटा देखें तो कहीं ना कहीं बताता है हमें कि वो एम्प्लॉयमेंट में 25% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वैल्यू में 38% ऐड कर रही हैं, एंड देन लार्ज फर्म्स हैं जो कि लार्ज बट ओल्ड कि 10 साल से जो पुरानी हैं 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं, 9.5% है सिर्फ नंबर्स में, आधी से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं आधे लोगों और आधी जो वैल्यू भी ऐड कर रही हैं हमारी इकॉनमी में। तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी जब बड़ी हो जाएंगी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगी एंड वैल्यू भी ऐड करेंगी, इसलिए छोटा रखना उनको इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो कहते हैं हमें अपने इंसेंटिव्स और हमें अपनी जो भी सब्सिडीज देनी अकॉर्डिंगली ही हमें बदलनी होंगी जो कंपनीज को बड़ा होने पर इनकरेज करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे यूएस का एग्जांपल लेता है मेक्सिको का, वो कहते हैं यूएस में अगर देखें जो एक कंपनी जो आज जो कि 5 साल जब शुरू हुई कंपनी एंड शुरू होते ही उसमें कितने एम्प्लॉयज थे और 40 साल बाद कितने एम्प्लॉय थे, कहते हैं वो 7 गुना हो चुके हैं, वो ऐसी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 7 गुना कर लेती हैं। जैसे अगर शुरू हुई थी 50 एम्प्लॉयज से उसमें अब 350 एम्प्लॉयज होंगे ऑन एन एवरेज। कहते हैं मेक्सिको में देखें, मेक्सिको में कहते कम से कम एम्प्लॉयज डबल हो जाते हैं, इंडिया में कहते सिर्फ 40% बढ़ोतरी होती है कि अगर शुरू हुए थे लेट्स से अगर 20 से तो 28 होंगे अभी इवन आफ्टर कितने 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल काम करने के बाद तो कहते इंडिया में कहीं फॉर्म्स तो ग्रो नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो छोटी ही रह जाती हैं एंड कहते क्या कारण होगा, कहते जो लेबर लॉ हो सकता है रिस्ट्रिक्शन रखता हो। ठीक है, रेगुलेशंस वगैरह बहुत सारी एंड कहते सबसे ज्यादा बड़ी बात हो इंसेंटिव्स कि छोटा रहने को लेके इंसेंटिव मिल रहे हैं कि आप चाहे अभी बने थे चाहे 10 साल पहले चाहे 50 साल पहले अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है अगर आप MSME हो तो MSME को बेनिफिट इंसेंटिव मिलते ही जाते हैं। तो कहते इसलिए कहते क्या करना चाहिए, हमें इन्फेंट फॉर्म्स पे काम करना चाहिए जो अभी छोटी हैं लेकिन नई भी हैं। ठीक है, एक टाइम होना चाहिए 10 साल तक का, 10 साल के बाद आपको इंसेंटिव मिलने बंद हो जाएंगे तो बेटर ग्रो। ठीक है, ग्रो करो एंड ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें बोल के थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकरेज चाहते हैं करना कि हमारी जो कंपनीज वगैरह को ग्रो करने का इंसेंटिव मिले। ओके, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इतनी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो तो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात कैसे होगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर को भी कहते हैं रैपिडली ग्रो करना होगा, कैपिटल मार्केट्स को है ना, बैंक्स को ग्रो करना होगा एंड वो कहते हैं अगर कहते हैं लेकिन कहते हैं हमने इतना रैपिडली एक्सपैंड कर रहे होते हैं लेकिन तभी एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और हमारी सारा सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला जो हमारा जो डायनामिक्स है सब खराब हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे सिर्फ बुराई सोच रहे हैं, कहते ऐसा हुआ साउथ एशिया में, ऐसा हुआ USA में, ऐसा हुआ, तो कहते कहीं ना कहीं जो मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल जब होगा
तो क्राइसिस आ जाएंगे। कहते इंडिया ने भी विटनेस किया, इंडिया ने बहुत सारे जैसे एग्रेसिवली लोन दे दिए, एनपीएस बन गए, और जनरली कहते हमें उसके कारण उस पर ब्रेक लगाना पड़ा लोन देने पर। तो बहुत कहते लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके कारण देश की ग्रोथ रुक गई एक्सेट्रा, लेकिन कहते करना था, अदरवाइज मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में भी आ जाता। एंड कहते हमने बैंक्रप्सी प्रोसेस भी शुरू किया, ताकि कहते एक बार तो जो सभी लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट वॉज बेनिफिशियल। अब वो कह रहे हैं लेकिन अब कहते काफ़ी सिग्निफिकेंट अब टाइम बीत चुका है, लेकिन हमारे देश में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बहुत हाई चल रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई चल रहा है क्योंकि इतना कैपिटल अवेलेबल ही नहीं हो रहा, ठीक है। बैंक्स को में थोड़ा सा अभी जो शांति है, बैंक्स नहीं इन्वेस्ट कर रहे एक्सेट्रा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई चल रहा है। वो बताते भी हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आप अगर कंपेयर कराते हैं रियल एस्टेट में, इतना महंगा है, देखो कंपेयर करो अगर बाकी कंट्रीज के हिसाब से, और रिटेल में, ट्रकिंग में, इंजीनियरिंग में काफ़ी महंगे, कहते हमें जो पड़ता है उधारी क्रेडिट बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई, तो अकॉर्डिंगली इसको लो करना होगा। अगर एंड कहते लो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें रिस्क रिटर्न पे काम करना होगा, ठीक है। कि कहते अगर रिस्की लगती हैं चीज़ें तभी ही लोग ज़्यादा रिटर्न सीख करते हैं ना, कि अच्छा भाई आपका जो बिजनेस डूब सकता है तो मैं आपको 8% नहीं, मैं 10% लूंगा, ठीक है, आप रिस्की बंदे लग रहे हो मुझे, तो मेरे को महंगा ही उधार दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो कहते अगर हम रिस्क कम करेंगे तो ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं रिस्क में कहीं ना कहीं आईबीसी का आना बहुत ज़रूरी है, कि रिस्क कम करता है ये, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर अब बिजनेस नहीं भी चला तो पैसा वापस मिलने के चांसेस हैं अभी भी, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि आफ्टर टैक्स रिटर्न, कि जैसे स्टार्टअप्स की बात करते हैं यहाँ पर, जो स्टार्टअप्स हैं कहीं ना कहीं जो हमारे स्टार्टअप्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर एंजल टैक्स है ना, ये कैपिटल गेन टैक्स वगैरह लगा दिए गए, तो कहते कहीं ना कहीं हमें इसको कहते, लेकिन अगर इन पर अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमल बैलेंस हमें निकालना होगा, जहाँ पर हम रेवेन्यू भी रेज करें और ऐसी जो बोनाफाइड जो कंपनीज हैं उनको एनकरेज भी करें, लेकिन जो मैलाफाइड है उनको पनिश भी करें, ठीक है। तो इसीलिए कहते हमें ये बैलेंस हमें हिट करना होगा। एंड कि कहते हैं अगर इंडिया देखें तो इंडिया थर्ड आ चुका है इकोसिस्टम जो सेटअप वगैरह स्टार्टअप वगैरह करने में, कि जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, नाम भी बताते हैं कि ओयो रूम्स, बायजू क्लासेस, पेटीएम, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं एक्सेट्रा, एडटेक की एजुकेशन में कहते कितने देखो बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हो गए, एंड देन यूनिकॉर्न, मतलब यूनिकॉर्न क्लब का दोस्तों, यूनिकॉर्न क्लब सोचो बताओ मुझे क्या होता है, तो यूनिकॉर्न क्लब वैसे इज $1 billion की जिनकी वैल्यूएशन है। तो कहते कंपनियां देखो तीन पाँच और एक साल से कम में भी यूनिकॉर्न बन रही हैं, एंड कोई तो एस्पायरर हैं बनने वाली हैं। तो कहते इंडिया का सीन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जस्ट हमें इंसेंटिव्स सही करने हैं, ठीक है। तो बस कि वही है, कहते बहुत सारी जो बिजनेस जो ऐसे भी हैं जो B2C हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को डील करते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, पर्टिकुलरली कौन सी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमें इनकरेज करना ही होगा, इंसेंटिव्स राइट करने ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है इसी के साथ। तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी है, पढ़नी है, देखनी है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली ही मैं चाहूँगा कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स भी प्लान करें, एंड नेक्स्ट चैप्टर्स प्लान करने से क्या होगा कि आपको ये जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट चैप्टर आप ईजिली पढ़ सकते हैं, रिलेटिवली थोड़ा स्मूथ चलते हैं, एंड उसमें इनसाइट्स मिलती जाती हैं, आंसर्स बनाएं, क्वेश्चंस ढूंढें, ठीक है, जैसे हमने अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में किया। मैं आपको जैसे चाहता हूँ थोड़ा बताना कि फॉर एग्जांपल कि जो बहुत सारी स्कीम्स आई, ये रिपोर्ट्स के नाम लिखे होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार क्विकली यहाँ पे इसको जो रन थ्रू करते हैं, चैप्टर को समराइज करते हैं कि चाहते हैं क्या कहना। वो कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर जो कि अपना हमारे देश में काफ़ी हमने बदलाव किए उसके बारे में बात बताते हैं, एंड देन उसके बाद कमेटीज़ वगैरह कौन से स्कीम्स, एंड किस तरह से बिहेवियरल एस्पेक्ट में काम करा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा हमने, एंड देन